हाय गाइस, दिस इज शैलेश एंड वेलकम बैक टू सिस्को टेक लाइव। इससे पहले गाइस कि हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी टिकटॉक ब्लॉग मच मोर पीएफ के वीडियो रिलेटेड टिकटॉक वीडियो आपको मिलता रहे। तो अभी लेटेस्ट अप्रैल 2019 यानी कि अप्रैल 2019 से काफ़ी सारा, 2 से 3 दिन के बाद ईपीएफ में कुछ नया अपडेट होने वाला है और कुछ कुछ पोर्टल्स में मुझे अभी दिख भी रहा है, तो मैं आपको दिखाते भी जाऊंगा और कुछ चीज़ें बताते भी जाऊंगा, ठीक है। 5 से 6 चीज़ें ऐसी है जो कि काम की है और आपको ध्यान रखना है, हम सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि ये पीएफ के एटो क्लेम, जो एटो क्लेम का फंडा आया है अभी पीएफ में अप्रैल 2019 से, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले गाइस मैं आपको स्क्रीन भी दिखा रहा हूं थोड़ा। आपको जाना है ईपीएफ के पोर्टल epfindia.go.in, उसके बाद आपको यूनिफाइड का पोर्टल लॉगिन कर देना है। मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे उसमें ऑप्शन दिखाई देने लगा है, तो आपको भी मैं दिखा दूंगा, क्योंकि एक टाइप का ये पायलट प्रोजेक्ट है जो कि ईपीएफ इंडिया जो इसे टेस्ट कर रहा है कि यार जब भी आप नई कंपनी ज्वाइन करते हो, पुरानी को छोड़ते हो, तो जो ये पीएफ का जो फंडा है, ये जो एटो क्लेम ट्रांसफर है, ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बड़े आराम से ये वीडियो आप देख लो और ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो पहली चीज की आप चिंता ना करें, मैंने सभी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दी है, तो आप भी इसे खोल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आपका यूएन नंबर लॉगिन करके, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने लिंक दिया है, जैसे कि पीएफ की लिंक हो गया, वेबसाइट का यूनिफाइड पोर्टल का लिंक हो गया, पासबुक पोर्टल का लिंक हो गया, और हाँ, यूनिफाइड पोर्टल में उमंग ऐप, पीएफ का एक ही ऑफिशियल मोबाइल ऐप है, उनको वीडियो देखे आई बटन में या वीडियो के नीचे दे रखा है। चलो और गाइस कुछ और भी इम्पोर्टेंट बात है कि मैं छोटे मोटे ईपीएफ के और कुछ टिकटॉक ब्लॉग ट्रेवलर गाइड्स के वीडियो भी इस पर आपको, छोटी मोटी जो वीडियो नहीं आते वो जानकारी मैं शेयर करते रहता हूँ। तो फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के नीचे दिया है और व्हाट्सएप हेल्प डेस्क भी वीडियो के नीचे दिया गया है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर आपको देखो, सबसे पहले यूनिफाइड पोर्टल में जाने के बाद ऑनलाइन क्लेम ट्रांसफर पोर्टल में ट्रैक क्लेम स्टेटस पर जाते हो, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्टॉप यूटो इनिशिएट क्लेम केसेस या पोर्टल या ट्रांसफर रिक्वेस्ट। तो ये एक्चुअली क्या है कि जब भी आप आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जॉब छोड़ देते हो या नई कंपनी को ज्वाइन करते हो, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपका जो यूएएन नंबर एक ही रहता है और पीएफ नंबर 2 बन जाते हैं आपके। तो इसमें क्या होता है कि आपको पुराना पैसा पूरा नए में ट्रांसफ़र करना है, इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती थी पहले, फॉर्म नंबर 13 ऑफलाइन भरना पड़ता था वगैरह वगैरह, जो ये प्रॉब्लम्स आती थी। तो सबसे पहली बात, इसमें पहला जो मेन पॉइंट आता है कि आपका जब आप कोई भी पुरानी कंपनी को छोड़ते हो, नई कंपनी को ज्वाइन करते हो, तो आपका जो नया एम्प्लॉयर है कम से कम 1 मंथ का पीएफ का कंट्रीब्यूशन जमा करना चाहिए। मतलब मेरी बात समझे आप, जो भी नया आपका एम्प्लॉयर है या नई कंपनी में आप ज्वाइन करते हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी वेंडर कंपनी हो, तो आपका जो नया एम्प्लॉयर है कम से कम 1 मंथ का पीएफ का कंट्रीब्यूशन यानी पैसा जमा कर देना चाहिए, उसके बाद ही आपका पुराना पैसा नए में ट्रांसफ़र होगा, जिसको एटो क्लेम ट्रांसफ़र भी समथिंग लाइक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पहली बात आपको ध्यान रखना है। और आपका मोबाइल नंबर, आधार, यूएएन, केवाईसी प्रॉपर अप्रूव होना चाहिए, जिसका वीडियो स्टेप बाय स्टेप बने हैं, और आपका यूएएन नंबर एक्टिव होना चाहिए, तब ही ये आपकी रिक्वेस्ट एटो क्लेम ट्रांसफर की पीएफ की काम करेगी, ठीक है। इसका भी वीडियो आई बटन में, तो आप जाके देख सकते हैं कि यूएएन नंबर को आपको कैसे एक्टिव करना है जिसका मोबाइल नंबर घूम चुका है, क्योंकि मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहेगा तो ये आपकी जो सर्विस है ऑटोमेटिक पीएफ ट्रांसफर क्लेम पोर्टल की, ये काम नहीं करेगी। तो आपका यूएएन नंबर एक्टिव और उससे ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर लिंक होना चाहिए, आपको कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। आपकी एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर, मैं ले लेता हूँ, व्हाट्सएप पे और कम्युनिटी में किसी ने पूछा था कि मोबाइल नंबर तो घूम गया, आप क्या करें। तो बड़ा ही आसान तरीका है, मैंने इससे 3 रिलेटेड वीडियो बनाए हैं जो कि ईपीएफ की प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जाके वीडियो के नीचे या आई बटन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कि मान लो आपका पीएफ मोबाइल नंबर ही घूम गया, जो पहले से पीएफ पोर्टल यूनिफाइड में अपडेट था,
तो उसको आप कैसे फॉरगेट करके एक्टिव करें, क्योंकि जब एक्टिव रहेगा तभी आपका जो पीएफ का ट्रांसफर पैसा होगा, कोई भी रिक्वेस्ट हो बिना कॉन्टेक्ट नंबर और आधार यूएन और आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है ये तो आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP आता है। और मेरा सजेशन रहेगा कि रिलायंस जियो के नंबर बिल्कुल यूज़ ना करें, OTP आता ही नहीं है। चलो अब एक बात आपको और याद रखनी है, जिनकी KYC पेंडिंग है, आपका एम्प्लॉयर ने अप्रूव नहीं किया है, किससे? DSC जो रजिस्ट्रेशन होता है KYC, तो आपके एम्प्लॉयर को बोलो कि जल्दी अप्रूव करे, नहीं तो आपके ये जितना भी PF का पोर्टल है जैसे कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र क्लेम हो गया ये आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपकी आधार KYC अप्रूव होना चाहिए, अगर आपने इसे ऑनलाइन सबमिट कर दिया है तो आपके एम्प्लॉयर को आपको बोलना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पर ऑनलाइन क्लेम ट्रांसफ़र में आपको पोर्टल में दिखा रहा हूँ। अब ठीक है, ये तो बात ठीक हो गई। अब जब आप नई कंपनी, पुरानी कंपनी को छोड़ के नई कंपनी में आते हो, आप पुराना पैसा और नया पैसा मान लो, तो जो पुराना पैसा आप चाहते हो कि नहीं यार मैं उसे रोकना चाहता हूँ, स्टॉप यूटो इनिशिएट क्लेम, यानी कि जो पुराना पैसा है अगर आप उसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हो विद इन 10-15 वर्किंग डे में, तो वो आपका पैसा ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा नए में। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मैं पुराना पैसा रोकना चाहता हूँ, तो आपके एम्प्लॉयर के पोर्टल में एक ऑप्शन आता है स्टॉप यूटो क्लेम, ठीक है, उसको बोलना है आपके कंपनी या आपके ऑर्गेनाइजेशन को बोलना है कि जो मेरा पुराना पैसा है वो उसी में रहे, तो आप उसे रोकने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, जो कि एम्प्लॉयर के पोर्टल में और आपके जो पोर्टल है यहाँ पर वो उसका स्टेटस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी स्क्रीन पे, ये हाँ भी इसे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एम्प्लॉयर को बोलना है कि जो पुराना पैसा है उसे रोक दो, कि मैं उसे वहीं से विड्रॉ कर लूं, और तो आपका नए में ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो नया आपका कंटिन्यू। इसको ये जो फंडा आया है ये अप्रैल 2019 से मुझे लगता है अच्छे से काम करना चालू कर देगा। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी गाइस, तो मुझे बताना ज़रूरी मैं समझता हूँ, क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली लेट हो गया है, काफ़ी दिन पहले आ चुका था ये अप्डेट, ठीक है। अब क्या मार्च चल रहा है, मार्च में फाइनेंशियल ईयर है, तो ऑफिस में ज़्यादा काम होने के कारण मैं बना भी नहीं पाया आपके लिए वीडियोस, ठीक है। तो स्टॉप यूटो क्लेम इनिशिएट स्टेटस या ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आपको आपके एम्प्लॉयर के पोर्टल से बोल सकते हो कि जो मेरा पुराना PF का पैसा है उसे वहाँ पर रोक दो, तो वो आपके एम्प्लॉयर आपको कर देगा, और उसका स्टेटस और यहाँ से पूरी जानकारी आप आपके यूनिफाइड पोर्टल में भी मुझे यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब ये कैसे काम करेगा, ये पूरा एक्टिव हो जाएगा पोर्टल, मुझे लगता है अप्रैल 1 से 2 दिन में 1 अप्रैल 2019 आने वाला है। अगर कोई नया अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा ये काम कैसे करता है, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी बंदा या एम्प्लॉई नई कंपनी पुराने से नए में ट्रांसफ़र होता है तब ही ये पूरी प्रोसेस जारी होती है, और इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। अगर आप क्या करते हो कि पुराना पैसा नए में ट्रांसफ़र नहीं कराया है या करना चाहते हो, अगर कोई बंदा PF का नया का पैसा विड्रॉ कर लेता है जैसे कि PF एडवांस 31 एंड समथिंग, तो वो पुराने जो PF का पैसा है उसको निकालने में काफ़ी सारी दिक्कत आती है, और आप आती नहीं है आती है काफ़ी लोगों के ऐसे मेल और कमेंट्स आए थे मुझे कि पुराना नहीं निकल रहा है, नया PF का पैसा निकाल लिया। तो ये इसी की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए EPF डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छी चीज़ लाई है कि वो ठीक है, बंदे ने जॉब छोड़ दी वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा, या आपके एम्प्लॉयर को बोल दो वो वहाँ से, बस सब कुछ ऑनलाइन होगा, ये सब कुछ ऑनलाइन होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका UN नंबर एक्टिव होना चाहिए, KYC अप्रूव्ड होना चाहिए। ये पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको कि ये जो आपका जो यानी कि ये समझो कि जब ये सर्विस लागू हो जाएगी तो आपका जो UAN नंबर है वो एक टाइप का एक एक्सेस अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट बोल सकते हो उसके समान बन जाएगा, कि यार यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुआ पैसा तो आएगा ही ना आएगा ना उसमें, भाई एक बैंक अकाउंट में क्या होता है, आप कहीं भी चले जाओ पैसा तो उसी अकाउंट में आता है आपका। ऐसा ही कुछ पायलट प्रोजेक्ट के समान ही काम करेगा, और ये बस अप्रैल से मुझे लगता है लागू हो जाएगा, क्योंकि मुझे हर जगह एम्प्लॉयर के पोर्टल में भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और अपने एम्प्लॉई के यूनिफाइड पोर्टल में भी ये वाला ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब गाइस UAN नंबर आपका जो है वो बैंक अकाउंट के समान हो जाएगा, यानी कि मान लो पुरानी कंपनी से आपने जॉब छोड़ा नए में आ गए, तो विद इन 10-15 बिजनेस वर्किंग डे में आपका ये प्रोसेस है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक्टिव रहेगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि यस योर
ये तो ट्रांसफ़र क्लेम एक्टिवेट एंड समथिंग, और आपका ये जो प्रोसेस है एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही एक नई चीज़ बताई कि आपका जो नया एम्प्लॉयर है उसने कम से कम 1 मंथ का पीएफ का कंट्रीब्यूशन आपका जमा करना चाहिए, उसके बाद ही पुराना नए में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये कुछ खास खास ज़रूरी बातें थी, वही मैंने बताई जो कि आपकी काम की। बाकी छोटी मोटी आपको मैं बाद में बताऊंगा, जो न्यूज़ जो काम काम की चीज़ें थी जो मुझे दिखाना चाहिए था, और एक नया वीडियो मैं कुछ दिन बाद बनाऊंगा जो कि ये सर्विस एक्टिव हो जाएगी। तो ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी को दबा के रखें, और घंटी दबाने के बाद आपको ऑल पोस्ट आता है उसको क्लिक कर ले, क्योंकि मैं छोटे मोटे वीडियो जब नहीं बना पाता हूँ तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में कुछ फ़ोटो कोई जानकारी डाल देता हूँ। तो चैनल में एक कम्युनिटी पोस्ट होता है ना, वहाँ पर दिख जाती है। और टेलीग्राम तो ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, अपने व्हाट्सएप के समान ही होता है मेरा। एक्चुअली क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप भर चुका है, तो भी आप व्हाट्सएप पे हाई करके भेज सकते हो ज़रूरी जानकारी के लिए। और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, टेलीग्राम पे क्या है काफ़ी सारे पोस्ट मैं इकट्ठे डाल देता हूँ तो वो सबको मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोगों के लिए जगह होती है, और व्हाट्सएप भर गया है मेरा, इसलिए ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो गाइज़, और भी इफ़ यू गाइज़ एनी क्वेरी, प्लीज़ लीव द मैसेज कॉमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। और मैं जल्दी किसी बेस्ट और टिकटॉक वीडियो के साथ मिलता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड बाय बाय। Preview.